क्या उद्देश्य? मैं अन्नपूर्णा मंदिर का महंत शंकरपुरी बोल रहा हूँ। ऐसा है कि माँ का कपाट स्वर्णमयी प्रतिमा है जो बनारस में स्थित है और माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, बाबा के बगल में है। तो प्रथम तल पे स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन है जो चार दिन चलेगा। धनतेरस के दिन सुबह 2 नवंबर को 4 बजे कपाट खोले जाएंगे। पहले खजाने की पूजा होगी, महाआरती होगी, इसके बाद में 1 घंटा करीब ये पूजा चलेगी। इसके बाद 5 बजे आम भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। जो व्यक्ति आएगा उनको क्रमबद्ध दाएँ और माता जी का खजाना लेके जाएं और माता जी का जो लाभा मिलता है वो लेके जाएं। लेके जाएंगे तो निश्चित है उनके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसमें निवारण मिलता है, ऐसी प्राचीन काल की मान्यता है। क्या मान्यता है माता जी? जो माता जी का प्रसाद लेके जाते हैं लोग, ऐसा महत्व है कि रखते हैं तो निश्चित है कि घर में बरकत होती है और कोई किसी प्रकार का समस्या है विराट रूप में है तो निश्चित है कि वो सूक्ष्म रूप में आती है और माँ का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है, ऐसा लोगों को बताते हैं। कोविड की लहर को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन दी गई है? जिला प्रशासन हमारा पूर्ण सहयोग कर रहा है। बाहर पूरे मंदिर परिषद के बाहर रोड पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, उसकी संख्या और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या इस बार और ज़्यादा रहेगी। मंदिर में वॉलेंटियर हैं जो प्राइवेट हमारे गार्ड वगैरह हैं, इनकी संख्या भी करीब करीब 100 की रहेगी, जो पब्लिक को जल्दी से जल्दी मंदिर परिषद के बाहर निकालते जाएंगे और प्रसाद लेके पब्लिक से भी ये ध्यान रखें कि वो जल्दी से दर्शन करें और आगे निकलें। और हमने अपने यहाँ मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, साथ में टेम्परेचर मशीन नापने की रखी हुई है कि उसका पालन करते हुए लोग निकलें। किसी को कहीं मास्क की आवश्यकता है तो वहाँ से ले लें और आगे बढ़ते जाएँ।